हे व्यूअर्स, मैं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। आज की हमारी वीडियो है ग्रीन चिल्ली के ऊपर, हाउ टू ग्रो ग्रीन चिल्ली एट होम। घर के अंदर इजीली आप ग्रीन चिल्ली के बीजों को किस तरीके से लगा सकते हैं, और मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए, और हमारी खाद किस किस्म की होनी चाहिए, और जून के मंथ के अंदर हम बीजों को लगा रहे हैं तो बीजों को रखेंगे कहाँ, जब हम सीडलिंग कर लेंगे तो इस पॉट को रखेंगे हम किस जगह पे। स्टेप नंबर वन, आपने अच्छी किस्म के सीड्स परचेज करने हैं। जैसे ये मेरे पास हैं हाइब्रिड बीज हैं, तो F1 हाइब्रिड बीज हैं। बहुत सारी आप वीडियोस के अंदर देखते होंगे कि बहुत सारी अच्छी गार्डनिंग कर रहे होते हैं लोग, तो इतनी अच्छी गार्डनिंग किस तरीके से की जाती है, तो वो बीज बहुत अच्छे परचेज़ किए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी बीजों को अच्छा परचेज़ करेंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज लेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। स्टेप नंबर टू कि हमारी मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए। मिट्टी की इससे पहले मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी, ये ऊपर आई बटन भी आ रहा है, इस बटन के अंदर जाकर आप वो वाली वीडियो को देख सकते हैं कि मिट्टी किस किस्म की लेनी है। सिर्फ उस वीडियो में मैंने मिट्टी के बारे में बताया। स्टेप नंबर थ्री हमारा कि तारीख कौन सी है जब हम बीजों को लगाने वाले हैं। तो आज 23 जून 2021 जब हम बीजों को लगाएंगे, इसके बाद बारिशों वाला मौसम भी आएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर फोर, आपने जब भी पॉट के अंदर मिट्टी इस्तेमाल करनी है तो मिट्टी इक्वल होनी चाहिए, ताकि आप जब पानी दें तो पानी एक ही जगह पे बराबर होना चाहिए। ये ना हो कि एक जगह पे ज़्यादा हो और एक जगह पे पानी कम हो, ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। इससे भी बीजों का जर्मिनेशन रेट 50% के करीब आ जाता है, बाकी 50% आपके बीज ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमारे हाइब्रिड बीज हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये 70 रुपीज़ का मुझे एक पैकेट मिला था, तो लेकिन इसके बीजों की तादाद कम ही होती है हाइब्रिड बीजों की, 20 के करीब मिलते हैं 100 रुपीज़ के अंदर। तो अगर आप इंडिया में हैं तो अमेजोन से आपको बहुत अच्छे सीड्स मिल जाएंगे, पाकिस्तान में आपको दराज.com से भी मिल जाएंगे बीज। के बीजों को हम बखेरेंगे अपने पॉट के अंदर, और इस तरीके से बखेरेंगे कि थोड़ा थोड़ा फासला हमने दे देना है, ताकि जब हमारी पनीरी तैयार हो जाए तो ईजीली पौधों को अलग किया जा सके। स्टेप नंबर फाइव हमारा ये होगा कि बीजों का हम ढांपेंगे, मिट्टी के साथ ढांपेंगे या किसके साथ। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है सड़ा हुआ गाय का गोबर, तो इस गोबर से भी मैं बीजों को ढांप सकता हूँ, और सादा मिट्टी से भी ढांप सकता हूँ। तो मैं इन बीजों को ढांपूँगा गाय के गोबर से। जब आप बीजों को ढांप रहे होंगे ऊपर से, बीजों के ऊपर आपने मिट्टी या गाय का गोबर या पीट मॉस, कोको पीट वगैरह जितनी डालनी है, बीज का जितनी मोटाई होगी उससे दोगुना ऊपर आप उसके वज़न डालेंगे बीज को, मतलब दोगुना तय लगाएंगे, बीज को कवर कर देंगे। ये ख़ास तौर पर आपने मिट्टी पे ये वाला ध्यान रखना है कि दोगुना मिट्टी आप ऊपर डालेंगे, बाकी जो पीट मॉस, कोको पीट, गाय का गोबर, ये आप 3 टाइम भी ऊपर डाल सकते हैं, 4 टाइम भी, इसके अंदर से बीज ईजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। स्टेप नंबर सिक्स के हम पानी शावर की मदद से देंगे। डायरेक्ट पानी में डालेंगे तो सारी मिट्टी ख़राब हो जाएगी, जो आप बीजों को ढांपा हुआ बीज भी बाहर आ जाएंगे, तो आपके बीज ख़राब होंगे, जर्मिनेशन रेट कम हो सकता है इससे, तो इसलिए आप शावर की मदद से पानी देंगे। स्टेप नंबर सेवन ये होगा कि जब हम पानी दे रहे होंगे तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि पानी कम से कम यहाँ तक नमी आनी चाहिए, तो इतना आपने पानी देना है, और इतना भर भी नहीं देना कि सारी मिट्टी एक दफ़ा में गीली हो जाए और वो कितने दिन गीली ही रहे और खुश्क होने का नाम ना ले, तो उससे भी आपके बीज ख़राब हो जाएंगे। स्टेप नंबर 8 कि बीजों को लगा लिए, अब इस पॉट को हम रखेंगे डायरेक्ट सनलाइट में या ग्रीन नेट के नीचे या कहाँ पे रखना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर मेरे पास ग्रीन नेट लगा हुआ है, इस ग्रीन नेट के नीचे हम बीजों को रखेंगे। आपने ग्रीन नेट वो वाला इस्तेमाल करना है जिसमें 50% के करीब रोशनी आती हो, बाकी रोशनी ना आती हो। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप बीजों को वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे सिर्फ 2 से 3 घंटे सनलाइट आनी चाहिए, बाकी पूरा दिन छांव होनी चाहिए वहाँ पे।
تو وہاں پہ آپ کی یہ پنیری بہت اچھی جرمنیٹ ہوگی۔ ہاں، یہاں درختوں کے نیچے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، اور یہ صرف اس موسم کے لیے ہے، جون کے جولائی کے موسم کے لیے۔ سٹیپ نمبر 9 کہ پانی ہم کب دیں گے اس کو، تب دیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ ہلکی سی نمی رہ گئی ہے، تو پھر آپ دوبارہ شاور کر دیں گے اس کے اوپر۔ فل گیلا آپ نے مٹی کو نہیں رکھنا، اور فل ڈرائی بھی نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ فل ڈرائی ہونے دیں گے تو آپ کے بیج خراب ہو جائیں گے، اگر فل گیلا رکھیں گے تو اس کے اندر فنگس آئے گی، اور فنگس پورے بیجوں کو خراب کر دے گی، تو کوئی بھی بیج جرمنیٹ نہیں ہوگا۔ یہ سارے سٹیپ وائز اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے مائنڈ کے اندر رہے کہ ہر سٹیپ اہم ہے، تو سٹیپوں کا آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے سیڈلنگ کرنی ہے جون اور جولائی کے منتھ کے اندر، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا۔ اس کی سیکنڈ ویڈیو آئے گی جب یہ ہمارے پلانٹ جرمنیٹ ہو جائیں گے، تو تب کی ایک ویڈیو آئے گی، اور تب ہم ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے تھے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔